देखो ना यार तेरा हाल कैसा है, टूट कर जुड़ा। ऑल राइट गाइस, सो अभी जो स्क्रीन पर आप ये सिनेमैटिक वीडियो देख रहे हैं, किस टाइप से ये शूट करा है, किस टाइप से इसमें कलर ग्रेडिंग करके एडिटिंग करी है, ये सब आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। सो अभी जो आपने प्रीव्यू में ये इंस्टाग्राम की वायरल रील देखी है गाइस, ये वीडियो इंस्टाग्राम पर और इस टाइप की एडिटिंग तो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है और ये रील भी काफी सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड किया था। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो को मैं आपको कैसे एडिटिंग सिखा सकता हूं बिल्कुल इजी मेथड से। तो चलिए मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चलते हैं। बट अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपके लिए डेली एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं। तो चलिए फोन की स्क्रीन पर चलते हैं। ऑल राइट गाइस, सो अब मैंने अपनी फ़ोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर एक VPN ऐप को डाउनलोड करके इसको कनेक्ट कर लेना है। ओके, सो उसके बाद अब आपको अपने फ़ोन के अंदर मतलब कुछ ऐसी अपनी सिनेमैटिक वीडियो शूट कर लेनी है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए ये जैसे कि सिनेमैटिक वीडियो है, उसके बाद ये एक सिनेमैटिक वीडियो है इस टाइप से, और कुछ इस टाइप से सिनेमैटिक वीडियो ना आपको अपनी शूट कर लेनी है। ओके, ये देखिए कुछ इस टाइप से अपनी सिनेमैटिक वीडियो 7 से 8 पार्ट में शूट कर लेनी है। ओके, सो अब उसके बाद आपको एडिटिंग कैसे करनी है, कैसे इसको इंपोर्ट करना है, ये चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कैपकट ऐप को ओपन करना है। आपके फ़ोन में नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आईफोन एंड एंड्रॉयड दोनों में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं लिंक दे रखा है, ठीक है। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपनी वो वीडियोस ऐड कर लेनी है जिसकी आप अपनी रील बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी वो वीडियोस ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वो सारी वीडियो जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। वो 7 वीडियोस हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 7 वीडियोज़ हैं। ओके, यहाँ पर तो मैंने ये 7 के 7 वीडियोज़ जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऐड पर क्लिक करना है। वो सारी वीडियोज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, फिर से स्टार्टिंग में आना है। अब इन वीडियो के अंदर हमें कुछ सिनेमैटिक स्लो मोशन लगाना है, उसके बाद इसमें स्प्लिट लगा करके को ट्रिम करना है। तो कैसे क्या करना है चलिए वो अब हम देख लेते हैं। ओके, अब मान लीजिए बाय चांस आपने अपनी वीडियो शूट कराया, ठीक है। शूट करने के बाद आपकी वीडियो का जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो थोड़ा खराब शूट हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जितना खराब है थोड़ा आगे के साइड निकालने के बाद स्प्लिट करके इस फर्स्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे। तो मेरा सही है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है। इतना आपने समझ लिया होगा। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यहां पर ये भी बता देता हूं। देखिए फर्स्ट वाला पार्ट है, जैसे इस फर्स्ट वाले पार्ट पर क्लिक करना है। स्पीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कर्व पर और कस्टम पर, फिर इस पर एक बार और क्लिक करना है, और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। हमें क्या करना है, जितने भी ये पॉइंट है इन सब पॉइंट को बिल्कुल नीचे रख लेना है, ठीक है। बिल्कुल नीचे के साइड कुछ इस टाइप से, बस ये पॉइंट जो है हमें यहाँ रखना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हमें समथिंग यहाँ रखना है, जैसे कि हमारा स्टार्टिंग में थोड़ा स्पीड और बाकी बिल्कुल पूरी वीडियो हमारी स्लो हो जाएगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये देखिए, और बस राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद फिर से राइट पर क्लिक कर देना है, और जितने भी वीडियोस के पार्ट हैं इन सभी पार्ट्स को हमें ऐसा कर लेना है एक बार, ठीक है। तो मैं सेकंड वाले पार्ट पर आया, स्पीड पर आया और कर्व पर, और सिंपली कस्टम, एक बार और कस्टम पर क्लिक करेंगे तो सारे पॉइंट को बिल्कुल ये यहाँ और इसको इतना, ये इतना और ये इतना, ठीक है। कुछ इस टाइप से स्लो मोशन ऐड कर लेना, और राइट पर फिर से ऐसे ही मैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर आऊँगा, और स्पीड पर, नॉर्मल पर, और वो सॉरी कर्व पर, कस्टम पर, और एक बार वो कस्टम पर क्लिक करना है, इस पॉइंट को यहाँ और बिल्कुल इससे इतना नीचे, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो मैं जिस जल्द से सारे पार्ट को कर लेता हूँ, नहीं तो एक एक करके करूँगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी स्पीड थोड़ा तेज कर देता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने सभी पार्ट में जो कस्टम की एक स्लो मोशन लगाया, और मेरे टोटल पार्ट कितने, मैं आपको एक बार ये भी दिखाया था। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 पार्ट है यहाँ पर, तो एक प्लस पर क्लिक करके एक पार्ट को मैं और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा अभी 7 पार्ट है, तो मैंने एक पार्ट को ये ऐड कर लिया क्योंकि 8 पार्ट्स की हमें ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद हमने 8 पार्ट ये ले लिया, और इसी पार्ट पर हम क्लिक करेंगे, स्पीड पर, कस्टम पर, और कर्व पर, कस्टम पर, और इसको भी हम स्लो मोशन ऐड कर लेंगे, ठीक है। मैंने वही पार्ट ऐड कर लिया क्योंकि मेरे पास 7 पार्ट शूट हुए थे और पार्ट नहीं थे, तो मैंने क्या एक ही डुप्लीकेट पार्ट को ऐड कर लिया। आप भी चाहे तो एंड में आके सेम डुप्लीकेट पार्ट ऐड कर सकते हैं अगर आपके 8 पार्ट्स नहीं है तो, ठीक है। अब इतना हमारा हो गया। अब ऐसी ही जैसी आपने वो वीडियो देखी थी वही वीडियो सेम एडिट करने के लिए इसके अंदर हमें कुछ स्प्लिट्स लगाने हैं, और कुछ बीट के थ्रू हमें जो है अपने पार्ट को स्प्लिट कर लेना है। तो कैसे कैसे करना है एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फर्स्ट वाले पार्ट हमें 3.6F करना है, ठीक है, 3.6F। तो हम क्या करेंगे, दो फिंगर की मदद से सबसे पहले देखिए 3 सेकंड पर आए, 3 सेकंड पर आने के बाद पूरा फुल जूम कर लेंगे दो फिंगर की हेल्प से। उसके बाद 3 सेकंड के बाद देखिए 6F, ठीक है। तो 3 सेकंड ये है
और 2, 4, 6 जैसे 6 सेकंड आएगा एक स्प्लिट हम ये लगा देंगे और फर्स्ट वाले जो एंड का पार्ट बचा है इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्प्लिट 5.28, ठीक है, तो 3 सेकंड ये था, अब हम जाएंगे 5 सेकंड पर, ठीक है। तो देखिए 4 सेकंड और ये देखिए 5 सेकंड, 5 सेकंड पर आने के बाद फिर से हम जूम करेंगे और जूम करने के बाद 5 सेकंड के बाद 28 है, ठीक है। तो 5 सेकंड, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28 ये आ गया, एक स्प्लिट ये लगा देंगे और जो लास्ट का पार्ट है इसको भी डिलीट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला 8.24 है, ठीक है, तो 6 सेकंड ये है, 6 सेकंड के बाद हम जाएंगे पहले 8 सेकंड पर, तो 7 सेकंड और ये देखिए 8 सेकंड ये आ गया, 8 सेकंड, 8 सेकंड के बाद हमें कहाँ जाना है, 24 है, ठीक है, तो 8 सेकंड ये आ गया, फिर जूम करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 24 ये आ गया, 8 सेकंड, 24 इसको स्प्लिट करेंगे, जो लास्ट का पार्ट बचा है इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। 8.24 तक हमने स्प्लिट लगा लिए। अब ऐसे ही नेक्स्ट वाले पार्ट पर 10.18, 13.14, 16, 19.12 और 22.6, तो इतने स्प्लिट्स हमको लगा लेने हैं। अगर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं जल्द से ये सारे जो 4-5 बचे हैं इनको मैं लगा लेता हूँ वीडियो की स्पीड तेज करके, ओके। तो नेक्स्ट स्प्लिट हमें लगाना 10.18F पर, ओके। सो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट स्प्लिट 22.6 का था और 22.6 ये देखिए 22.6 तक हमने लास्ट स्प्लिट अपना लगा लिया, यानी कि सारे पार्ट जो भी हमने अपने उसी के थ्रू कर लिए हैं जैसे हमने यहाँ पर अभी स्प्लिट्स के अंदर ये देखे थे। यानी कि हमारे दो काम निपट चुके हैं, एक तो लेंथ का क्लियर करना और स्प्लिट वगैरह लगाना, यानी कि आधे से ज़्यादा काम हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। अब हमें क्या करना है चलिए वो जान लेते हैं। सो स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में आने के बाद ये देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला माइनस है इस माइनस पर क्लिक करना है, लाइट इफेक्ट पर क्लिक करना है, ग्लेयर 2 ऐड कर देना है, ठीक है, और राइट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले माइनस पर हमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद ऐसे ही उससे नेक्स्ट वाले माइनस पर आएंगे, इस पर क्लिक करना है, लाइट और सॉरी ब्लैक फेड पर क्लिक करके राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले माइनस पर हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट पर आएंगे जो कि 16 सेकंड वाला है, ठीक है, एक मिनट, ओके। तो इस वाले पार्ट पर आएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पर, नेक्स्ट वाले पार्ट पर आने के बाद यहाँ पर हमें सिंपली इससे पहले एक और इस माइनस पर क्लिक करेंगे, माइनस पर क्लिक करने के बाद ब्लैक फेड राइट पर क्लिक कर देना है, और अब आएंगे हम 16 सेकंड वाला पार्ट पर, यानी कि 16 सेकंड वाला पार्ट हमारा ये है, इससे पहले वाला जो माइनस है इसको ऐसे ही छोड़ देना है, 16 सेकंड वाले माइनस पर आना है, इस पर क्लिक करना है और लाइट इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर हमें ग्लेयर 2 लगा करके राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो लास्ट वाला माइनस आएगा इस पर भी क्लिक करना है और ब्लैक फेड लगाकर राइट पर इस पर भी क्लिक कर देना है, बस, ठीक है। आई होप ये भी आप समझ में आ गए होंगे। देखिए मैं आपको एक बार आसानी से और बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट वाले माइनस पर ग्लेयर 2 एक छोड़ना है, फिर सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक, ब्लैक फेड, फिर एक को ऐसे ही छोड़ना है, उसके बाद देखिए कलर ग्लेयर 2 और उसके बाद ब्लैक, ठीक है। इस टाइप से आपको ये भी कर लेना है, आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे, ओके। अब उसके बाद हमें स्टार्टिंग में आना है और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पर मिलेगा एडजस्ट और यहाँ पर मिलेगा एडजस्ट, ठीक है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा शार्पन, शार्पन पर क्लिक करेंगे, इसको हम कर देंगे समथिंग 30 to 35, ओके 33 मैंने इसको कर लिया समथिंग, और राइट पर क्लिक करके इसको हमें पूरी फुल वीडियो के एंड तक रख देना है, ठीक है। रखने के बाद ये देखिए अब फिर से इस पर आना है, एडजस्ट पर क्लिक करना है, और एडजस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको HSL आएगा, इस पर क्लिक करना है और येल्लो वाले पर ऐसे ही छोड़ना है, इस बार सिंपली ग्रीन पर क्लिक करना है और इसको अपना इस टाइप से कर लेना है अपनी अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग जितनी आपकी वीडियो में यहाँ पर ज़रूरत हो, ठीक है, ओके। सो इसको मैं इतना कर लेता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद बस हमें यहाँ पर क्लिक करके और नीचे राइट पर क्लिक कर देना, जिससे कि हमारी कलर ग्रेडिंग हो चुकी है, जिससे कि हमारा जो है ना वीडियो सभी कलरफुल हो चुकी है, ओके। अब इतना हमारा हो गया, फिर से हमें स्टार्टिंग में आना है, बैक आना है, और यहाँ पर हमें अभी एक काम और बचा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको कर लेते हैं, स्टार्टिंग में आके इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और थोड़ा वेट कर लेना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक मिलेगा वर्टिकल ओपन, इस पर क्लिक करके राइट पर क्लिक कर देना है और थोड़ा जूम करने के बाद इसे हम लगाएंगे ओनली फर्स्ट वाले पार्ट की एंड तक, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट वाले पार्ट की एंड तक, ठीक, ये देख लीजिए एक बार, जैसे हमारा 1.55 तक, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में 1 सेकंड और 5F तक हम इस पार्ट को लगाएंगे, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा हम फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे वीडियो इफेक्ट्स पर, वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करने के बाद नाइट क्लब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मिलेगा हमें स्प्लिट फ्लिकर, ये ऐड करके राइट पर क्लिक कर देंगे और इसे हम लगाएंगे फर्स्ट वाले पार्ट की एंड तक, ठीक है, इसको, ओके। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, फिर से हमें स्टार्टिंग में ही आना है और स्टार्टिंग में आने के बाद हमें फिर से वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है,
थोड़ा वेट कर लेना है, हमारा VPN जो है कनेक्ट होना चाहिए तभी हमारी एडिटिंग इसके अंदर हो पाएगी। लेंस पर क्लिक करना है, लेंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, एक मिनट गाइस, सॉरी, नाइट क्लब पर क्लिक करने के बाद कलरलेस फ्लैश, इस पर क्लिक करके इस पर एक बार और क्लिक करना है, कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा एडिटिंग के लिए। इसकी स्पीड को जीरो कर देना है, ग्लो को फुल कर देना है, एटमोसफियर को फुल कर देना है, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो रेंज आपको अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग रखनी है कि कितनी ग्लो आपको अपनी, देखिए रेंज से यही होता है कि कितनी ग्लो आप देखना चाहते हैं अपनी वीडियो में, ठीक है। तो मैं इसको समथिंग 35 रख लेना, ठीक है, आप भी चाहें 35 इसको रख लेना, ओके। और बाकी सब आप अपने अपने हिसाब से रख सकते हैं कि कितनी ग्लो आपको रखनी है, ग्लो का भी यही सीन है, ठीक है। देखिए ज़्यादा आपको ज़्यादा रखनी चाहेंगे तो 100 करके, कम तो कम, ठीक है। तो इसको मैं 35 समथिंग रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने 40 कर लिया, चलिए, ठीक है। और 40 करने के बाद राइट पर क्लिक कर देना है, राइट पर क्लिक करने के बाद इसको हम जाएंगे और यहाँ पर सिंपली इस पार्ट की एंड तक लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए इस समर, देखिए यहाँ पर भी ग्लो आ चुकी है, लेकिन अभी हमारा एक क्लियरली ग्लो वाला ऑप्शन नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल बैक आएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा फिल्टर्स, फिल्टर्स पर क्लिक करना है। फिल्टर्स पर क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो मिलेगा ये सेकंड वाला ऑप्शन, उसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल करना है हमें। जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो एक हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, ये देखिए गोल्ड, ये देखिए यहाँ पर हमारा लग चुका है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। गोल्ड गेस्ट कोस्ट वाला हमें ऑप्शन मिल जाएगा, इसको हम अपनी वीडियो अकॉर्डिंग कर लेते हैं जितना हम इसको करना चाहें, ठीक है। तो ये देखिए हमने कुछ इस टाइप से इसको कर लिया है, और इसको भी हम कहाँ तक कर लेंगे, बिल्कुल फुल अपनी वीडियो के पार्ट की एंड तक। तो इससे काफ़ी अच्छी ग्लो हमारी वीडियो पर लग जाएगी, ये देखिए सिनेमैटिक टाइप बिल्कुल एकदम, ओके। तो चलिए अब जो हमारी वीडियो है सेम बीट के साथ, सेम स्प्लिट के साथ, सेम कलर ग्रेडिंग और ग्लो इफेक्ट, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हमारी वीडियो जो है शूट हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसको जो है 9:16 वाले फ्रेम में भी कर सकते हैं। कैसे करना है, एस्पेक्ट रेशियो पर क्लिक करना है, और यूट्यूब के लिए यहाँ से आप इसको बड़ी स्क्रीन इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपकी लैंडस्केप में वीडियो शूट हुई है तो, ठीक है। तो इसको अभी हम 9:16 में ही इंस्टाग्राम वाले फिल्टर में ही रहने देते हैं और राइट पर क्लिक कर लेते हैं। अब सिंपली यहाँ से इसकी म्यूजिक को म्यूट कर देते हैं, ऐड ऑडियो पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। यहां से क्या करेंगे, हम उस वीडियो की ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो कि ये है, ठीक है। हमने इसको ऐड कर लिया ऑडियो को, और ऑडियो हमारी ऐड भी हो चुकी है। चलिए अब मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूं कि सेम हमारी वीडियो एडिट हुआ है या फिर नहीं। देखो ना हाल कैसा है, टूट के आपने देखा सेम वही प्रोफेशनल तरीके से एकदम हमारी प्रोफेशनल रील यहाँ पर बिल्कुल सेम ऐसी ही हमारी रील भी एडिट हो चुकी है। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ट्रेंडिंग से ट्रेंडिंग उस सेम सिनेमैटिक ये सब वीडियो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेजते हैं मेरे सब्सक्राइबर, उसी की एडिटिंग मैं यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। तो जो रील आपको बनवानी है सीखनी है उसे आप इंस्टाग्राम पर सेंड करें, उसी की एडिटिंग यूट्यूब पर लेकर के आ जाऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ओके। तो आप इसे गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, और मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ।